मालेगांव सिटी सर्वे नंबर 91 जाफरनगर कैनल आगरा रोड टच का जो पूरा कैनल है वो डीपी प्लान के अंदर कैनल है। वहां पर एकदम साफ ये डीपी प्लान है, कॉरपोरेशन की कॉपी है, इसके अंदर वो कैनल बताया गया है। उसका जो उतारा है उसके ऊपर भी कैनल लिखा गया है। सर्वे नंबर 91 जाफर नगर आगरा रोड टच, ये जो के कैनल की जमीन है लेकिन कई सालों से उसके ऊपर बस्ती आबाद है, गरीब झुपड़े वालों के मकानात है, दुकानदारों के मकानात है, कुछ दुकानदारी है वहां पर, एक जमाने से वो बसा हुआ है कैनल की जमीन। वो जमीन आसिफ शेख रशीद के सबसे छोटे चाचा शेख अकील, जो कि उनके साड़ू भी है, आसिफ शेख रशीद के बड़े साड़ू है, और मेरी मालूमात में है कि उनके पार्टनर भी है। तो ये जमीन उन्होंने सर्वे नंबर 91 जाफर नगर इसकी बोगस खरीदी करे है। वो खरीदी के अंदर वो खुद मुलविस है, ये उसका खरीदी खत है, सर्टिफाइड कॉपी है, शेख अकील का फोटो है, रजिस्ट्रार है, ये रजिस्ट्री है, ये खरीदी है, ये उनके बड़े अब्बा के लड़के शेख इकबाल शेख रफीक है, और ये शेख अकील का लड़का शेख इस्माइल शेख अकील, और भी कई लोगों के नाम पे ये खरीदी है। ये लोग इसी तरीके से शहर के अंदर बोगस आदमी खड़े करके, इसकी बोगस खरीदी ऐसी है कि आदमी मर चुका है, मैयत हो चुकी है, और उसकी जगह दूसरे आदमी को खड़े करके खरीदी खत नंबर 8774/20/2022 तारीख 15/1/2022 इस दिन उसका जनरल मुख्तार बना, उसकी खरीदी हुई है। तो हमारा ये बोलना है कि ऐसे इनके कई मामलात है बोगस खरीदी के। आसिफ शेख रशीद बार बार चिल्ला रहे हैं, शहर का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बोलना है भाई कब्रिस्तान कौन बेच रहा उसका नाम डिक्लेयर करो, हम तो तुम्हारा नाम प्रूफ सब चीज साबित कर रहे, तो तुम उनका नाम डिक्लेयर करो। ये जमीन जो है इसके ऊपर पूरी आबादी बसे हुई है, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि वो कब्रिस्तान बेचा जा रहा है, ये उनके खुद के चचा साड़ू, ये खुद इन्होंने वो खरीदी ली है, और आगे चलकर ये लोग उसको जाफरनगर को खाली करवाने का, सर्वे नंबर 91 को इनका आगे चल के प्लान है खाली करवाना है, वही दादागिरी करेंगे गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ उनको दबाएंगे। तो मेरी जाफरनगर के लोगों से गुजारिश है कि ये चीज से होशियार रहे, खबरदार रहे, कि वो जिस बस्ती में रह रहे हैं सर्वे नंबर 91 ये शेख अकील ने खरीद चुका है, जो बेकायदेशीर खरीदा है बोगस खरीदी करके, तो जाफरनगर के लोग इसमें होशियार रहे, और इसके लिए अगर उनको कुछ कानूनी मदद की जरूरत हो या पेपर की कुछ जरूरत हो तो वो बिला झिझक मुझसे मिले, मैं उनकी इस मामले में पूरी रहनुमाई करूंगा। ये शेख अकील, इनका जो सफर है बड़ा सुहाना सफर शुरू हुआ है, सिगरेट के कंटेनर चोरी से लेकर कश्मीर की सेब की गाड़ियां के व्यापारियों का पैसा हड़प करने से लेकर लकड़ी की काला बाजारी, उसके बाद अब जमीन की काला बाजारी के अंदर आए हैं। तो मैं ये सारी चीजें
जिस तरीके से मैंने जलसे में कहा था कि मैं एपिसोड किस्त वारी हर चीज इनके जो मामलात है वो अवाम के सामने लाऊंगा, एक एक करके इंशाअल्लाह ताला इनके जितने भी मामले है ये चैंपियन चोरों के मैं एक एक करके अवाम के सामने ले आऊंगा। सर्वे नंबर 91 के अंदर मोबाइल पूरा झोपड़े बसे हुए है सर्वे नंबर 91 के ऊपर, जो आमिन फारूक ने जो गेट बनाए है उससे लग कर लेके वो आगे कैनल जो मिलता है वहां तक की ये पूरी बस्ती है, उसकी वीडियो भी है। मैं उसके अभी आपको वीडियो भी दे दूंगा कि इन्होंने कौन सी झोपड़ पट्टी बेचे है खरीदे है। कैनल की जगह है, डीपी के अंदर कैनल है, कैनल तो कैनल बोगस खरीदी है। ये जो लेटर मैंने आपको दिया है ये सब रजिस्ट्रार नासिक, वहां इनके नाम की कंप्लेंट हुई है, सब रजिस्ट्रार नासिक के अंदर ये कंप्लेंट दाखिल हुई है और उसका लेटर मालेगांव सब मालेगांव रजिस्ट्रार को आ चुका है। हम भी इसके अंदर पूरी चौकसी होना चाहिए, पूरी तहकीकात होना चाहिए, इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट से आला अफसरान से ये बोगस खरीदी के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, शेख अकील के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी डिमांड लेकर हम आला अधिकरण से मिलेंगे, आला पुलिस अफसरान से मिलेंगे, यही हमारी कोशिश है और इनकी चोरियों को शहर के सामने अवाम के सामने लाना हमारा मकसद है। और किसी को कुछ सवाल पूछना होगा तो पूछ सकते होंगे। जमीन मामले में वो जगह कब्रिस्तान की ऐसा बता रहे हैं, किसकी है किसकी नहीं, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है वो जगह के बारे में? मैंने इससे पहले भी कहा कि वो जमीन के ताल्लुक से हमारा, वो जमीन मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जमीन कब्रिस्तान की है या नहीं है। मेरी मालूमात में 117 जो है सर्वे नंबर 117 वो 5 एकड़ 11 गुंटा है जो खाली पड़ी है, अभी भी वहां पर कुछ भी नहीं है। आज भी अभी चलेंगे लगे तो मैं चल के बताने के लिए तैयार है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शहर की दिशा भूल करके उसको 3 ही एकड़ बता रहे हैं, जबकि 5 एकड़ 11 गुंटा वहां पर मौजूद है, डीपी प्लान में मौजूद है, लेकिन उसको वो 3 ही एकड़ बता रहे बार बार। तो इसके पीछे जरूर इनका कुछ ना कुछ मामलात है। 2 एकड़ 11 गुंटा कहां गायब हुआ, ये क्यों उसके बारे में नहीं बोल रहे, ये 3 ही एकड़ क्यों बोल रहे हैं? खैर वो मुद्दा तो हो चुका, मेरा उसमें कोई मामला नहीं है, मैंने सिर्फ उसमें ये पॉइंट पे ऑब्जेक्शन लिया था कि यार 5 एकड़ 11 घंटा है वहां पर, ये 3 एकड़ क्यों बोल रहे, बाकी मेरा कोई विषय नहीं था इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। ये मामलात है, खरी नकल है मेरे पास, पूरी एफिडेविट कॉपी है, सब है इसके अंदर, उनके चेक भी है, सारे चेक वगैरह लगे है, हर चीज है। आदमी मर चुका है और उसको दूसरे आदमी को खड़े करके उसकी जगह ये खरीदी उठा ली गई है। और अब इनका अगला प्लान जो था कि दादागिरी करके गुंडागिरी करके वो बस्ती को खाली कराएंगे, लेकिन मैं आप लोगों के जरिए उन बस्ती वालों को ये पैगाम दूंगा कि इसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस मामले को आकर हमारे पास समझे और इंशाअल्लाह ताला कानून भी बोलता है और आप ये जो लोग वहां बसे वो तकरीबन मैं समझता 50 साल से ज्यादा हो गया होगा वर्षा बसे, तो कानून भी उसकी इजाजत नहीं देता कि उनको वहां से खाली कराया जाए। सबसे पहली बात तो ये बोगस खरीदी है और हम बोगस खरीदी को साबित करेंगे, तो इसलिए वहां के लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें हमारी कुछ चीज की जरूरत पड़ती होगी तो वो कभी भी हमारे को याद करें, इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आप जमीन के ताजिर हो और पूरे मामला जमीन के, तो ये जो पूरे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जमीन के ताजिर के मजलिस के जिले सर्व के
पहली बात तो मैं कोई जमीन का ताजिर ही नहीं हूँ, आज तक मैंने एक 12-25 का टुकड़ा भी नहीं बेचा। मैं ये सिर्फ शहर के हित के लिए और शहर के फायदे के लिए और एक शहरी होने के नाते ये सब मामला खड़े कर रहा हूँ। वो आएंगे तो कार्रवाई तो जब होंगी, लेकिन उससे पहले जो बोगस खरीदी हुई है, बोगस खरीदी का मामला हम ऊपर तक लेकर जाएंगे और इसके ऊपर शेख अकील के ऊपर गुनाह दाखिल कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल वो जमीन जो है वहां पर कॉर्पोरेशन डीपी प्लान के ऊपर कब्रस्तान रिजर्वेशन है, लेकिन आपने जो सवाल किया कि मैं मेयर रह चुका हूं इसलिए मैं उस ताल्लुक से बात कर रहा हूं कि मेरी मालूमात में ऐसा है कि उस जमीन का काफी कई मर्तबा ठहराव हो चुका, जमीन मालक ने उनके ऊपर क्लेम करा, उनसे मांगनी करा, आज 15 साल से जमीन मालक उनसे पैसा मांग रहा है। एक प्रोसीजर रहता है, महासभा का ठहराव होता है, उसके बाद विभागीय डिवीजन में जाता है, उसके बाद मंत्रालय जाता है, एक प्रोसीजर चलता है। तो ये प्रोसीजर जो है कॉर्पोरेशन के आगे कहीं बड़ा नहीं है, और हाईकोर्ट के अंदर जो मैटर उसका जमीन मालक को जमीन कॉर्पोरेशन ने सिर्फ रिजर्व की है, उसका 1 रुपया उसको दी नहीं है। कॉर्पोरेशन का हक तब होएगा जब उसको कोई चीज का अमाउंट दे देवे, अभी तक उनको किसी को 1 रुपया मिला नहीं है। ये बार बार कहे कॉर्पोरेशन से कि आप हमारी जमीन ले ले, आप हमारी जमीन ले ले, उन लोगों के पास काफी डॉक्यूमेंट्स है, कॉर्पोरेशन को अर्जी दिए कि आप हमारी जमीन जो है आज 20 साल से खेती बंद है, हमारा खेती का भी नुकसान हो रहा और हमारी जमीन का कोई मामला हल नहीं हो रहे। तो इन्होंने शेख रशीद, पहले तायरा मैडम, तायरा मैडम के बाद शेख रशीद, शेख रशीद के बाद फिर तायरा मैडम, इन्होंने उन लोगों को कई मरतबा अर्जी दी है कि आप ये जमीन ले ले, लेकिन कॉर्पोरेशन ने उस या ये बॉडी ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जमीन को खरीदने के लिए। तो फिर वो लोगों ने बहालात मजबूरी हाईकोर्ट के अंदर इस केस को लेके गए है, क्या ये जमीन कॉर्पोरेशन ले लेवे या हमको इसका पैसा दे देवे या फिर हमें इसको रिजर्वेशन हटा दे। तो वहां पर भी हाईकोर्ट के अंदर भी कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई मजबूत ठोस जवाब नहीं रखा गया है। कॉर्पोरेशन ने जानबूझकर वे विवाद पैदा किया, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमारी अपनी गलती है, हमारे अपने ही लीडर है, हमारे ही जो शहर के मेयर है, आज इनकी आंख खुल रही है, आज ये पूरे उलमाए काउंसिल को जमा करने की बात कर रहे, कुल जमाती तंजीम को जमा करने की बात कर रहे, ये खुद भी मेयर थे, इनके वालिद भी मेयर थे, सब कोई मेयर था, तुमने खरीदे क्यों नहीं जमीन? जमीन तुम खरीद लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है शहर के अंदर कि मसाइल को जिंदा रखो, लोग खुद ब खुद चल कर आएंगे। तो ये बड़ा दर्द दे रहे हैं कि यार वो आखिरी जगह है, आखिरी रास्ता है, आखिरी दर है। तो मेरे ख्याल से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, करम है पाक परवरदिगार का, इसका तो हमको बहुत अच्छी से इल्म है कि वो आखिरी दर है, आखिरी दरवाज़ा है, आखिरी रास्ता है। हाँ, तुमने आखिरी दरवाजे के वास्ते बीजेपी के साथ मिलकर कब्रस्तान का गेट तोड़ डाला, तोड़ने के कब्रस्तान का गेट तोड़ने की साजिश की कि यार कब्रस्तान का गेट टूट जाए और जो बम ब्लास्ट मालेगांव बम ब्लास्ट को हम जो सर्च करते हैं तो सबसे पहले
YouTube के ऊपर, Google के ऊपर कब्रिस्तान का गेट आता है, तो कहीं ना कहीं ये उस निशानी को ख़त्म करने के वास्ते बीजेपी के एजेंट बन के उस गेट को तोड़वाने के कोशिश में थे। जो आज हमको दरवाज़ा बता रहे हैं, वो खुद कॉरपोरेशन का दरवाज़ा तोड़कर सबूत छुपाना चाहते थे, कब्रिस्तान का दरवाज़ा तोड़कर सबूत छुपाना चाहते थे। ऑक्सीजन कम हो रही है बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह ने उस वक्त हमसे वो काम ले लिया और हमने उस तहरीक को चलाए और शहर ने उस गेट को कुछ नहीं करना चाहिए, शहर की राय आई और वो गेट आज सही सलामत है। नहीं तो जिस तरीके से शहीदों की यादगार को शहीद कर दिया गया था, इसी तरीके से एक ये पुरानी यादगार और जो मेन सबूत है कब्रिस्तान का दरवाज़ा, ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने तो वहाँ भी सियासत कर लिए थे, अपनी एजेंडगिरी वहाँ भी साबित कर दिए थे।